अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस रिदा सोलंगी। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड मंथली असेसमेंट का सबक नंबर 2 इल्म का असूल, उसकी आज पक्या बुलंदखानी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने इसकी जो पहले मैंने वीडियो भेजी थी उसकी बुलंदखानी अच्छे से कर ली होगी, और आज हम इसका जो पक्या बुलंदखानी है उसको मुकम्मल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इल्म तो एक कुव्वत है, आज इंसान इल्म ही के ज़ोर से चाँद पर जा पहुँचा है और सितारों पर कुमनदे डाल रहा है। ये टेलीफोन, टीवी, एसी, कंप्यूटर, इंटरनेट और दीगर तमाम इजादें इल्म ही की वजह से दरियाफ्त हुई हैं। इल्म ने इंसान को सहूलतें दी हैं, आरामों सुकून की आशाइशें दी हैं। तुलबा बड़ी तवज्जो से इल्म के बारे में सुन रहे थे और कभी कभार कोई तालिब इल्म सवाल भी पूछ लेता था। यहाँ फैसल ने सवाल पूछा कि क्या इल्म नुकसान भी देता है। सवाल पूछा किसने? फैसल ने। हामिद साहब ने फैसल के सवाल को सराहा और वजाहत की कि इल्म हासिल करना एक अमल है और अमल का इनसार नियत पर होता है। अगर कोई तालिब इल्म साइंस का इल्म इसलिए हासिल करता है या कोई मुजद्दद इस नियत से इजाद पेश करता है कि इससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, तो ये जायज़ और फ़ायदेमंद इल्म है। और अगर कोई दूसरों को तबाह करने के लिए ऐसा करता है तो ये नाजायज़ इल्म और नुकसानदा इल्म है। हसनैन का सवाल था कि कौन सा इल्म ज़्यादा मुफीद है, मतलब कौन सा इल्म ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हामिद साहब ने वजाहत की कि इल्म का दायरा बहुत वसी हो चुका है। मुख्तसर इंसानी ज़िंदगी में ये मुमकिन नहीं कि कोई शख्स इल्म की किसी एक शाख में भी आखिरी हद तक पहुँच सके, ताहम उसे इल्म नाफा हासिल करना चाहिए। ऐसा इल्म जो सही और मुफीद ज़िंदगी गुजारने और आखिरत में निजात का सबब बने। जो इल्म ऐसा नहीं और नफ़ा नहीं है, आपको पढ़ते वक्त भी सोचना चाहिए कि हर किताब रिसाला नहीं पढ़ना है, कि आज तो बहुत से फजूल रिसाले और अखलाक को ख़राब करने वाली किताबें भी शुआ होती हैं। एक तालिबे इल्म को एक ऐसे फजूल नावल पढ़ने का चस्का पड़ गया। उसे उसके वालिद ने बहुत समझाया, मगर वो निसाब की किताब पढ़ने के बजाय फजूल किताबें पढ़ता और जेब खर्च के लिए मिलने वाली रकम भी ऐसे ही नावलों पर खर्च कर देता था। एक दिन बाप ने उसे खूबसूरत बैग लाकर दिया कि अपनी किताबें इसमें रखो। वो बहुत खुश हुआ। उसने सबसे पहले अपनी पसंद की नावल और फजूल रिसाले बैग में ठूस लिए और अच्छी किताबें और निसाबी किताबें रखने को बैग में जगह ही ना रही। अब बाप ने मुस्करा कर उसे समझाया कि तुम्हारे दिमाग के बैग में अगर बेकार चीज़ें जमा होती रहें तो अच्छी और मुफीद किताबों के लिए जगह नहीं रहेगी। लड़का समझ गया और फजूल किताबें पढ़ने से बाज आ गया। हामिद साहब ने घड़ी पर निगाह डाली, पीरियड ख़त्म होने पर चंद मिनट बाकी थे, चुनाचा उन्होंने आज की मुफीद गुफ्तगू को समेटते हुए कहा, याद रखें उसी सूरत में मुफीद है जब उस पर अमल किया जाए, वरना इल्म उस बीज की मानंद होगा जिसने ना पौधा फूटता है और ना ही दरख्त। इल्म देने वाले और पहुँचाने वालों में ने इल्म पर अमल की बार बार ताकीद की है। हमाद ने कहा, जनाब आज तो हमारे दुआ फौरन कबूल हुई है और हमने इल्म के बारे में बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल की है। कमरा जमात में हर चेहरे पर मुस्कराहट फैल गई। उस्ताद मोहतरम के चेहरे पर और भी ज़्यादा घंटी बजी और पीरियड ख़त्म हो गया। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको सबक नंबर 2 इल्म का असूल की बक्या बुलंदखानी भी आप लोगों ने मेरे साथ कर ली होगी। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।